नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लिपि गणित में। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का चौथे का नवा सवाल। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और साथ में इसके तीन और पद मुझे लिखना है। बच्चों, मेरे पास एक प्रश्न दिया है, यहाँ पर एक श्रेणी दी है 1, 3, 9, 27। ये मेरे पास एक श्रेणी दी है, लेकिन मुझे ये बताना है कि क्या ये एपी श्रेणी है या नहीं है। एपी श्रेणी को हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो मेरे पास एक सवाल दिया है, क्या समांतर श्रेणी का है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले बच्चों, इसमें चार पद दिए हैं, तो हम पहले पद को A1 से लिखेंगे। तो A1 का मान यहाँ पर A दिया है, तो एक दिया है, तो मैंने यहाँ पर A1 = 1 लिख दिया। दूसरे पद को हम A2 से लिखेंगे, A2 का मान यहाँ 3 है। इसी तरीके से तीसरा पद A3 हो जाएगा, A3 का मान यहाँ पर 9 दिया है, ठीक है। चौथा पद हमारा 27 है, तो हम चौथे पद को A4 से लिखेंगे। अब बच्चों, मुझे क्या करना है, समांतर श्रेणी बताना है या नहीं है। तो इसको हम क्या ज्ञात करने के लिए हमें पदों का अंतर, क्रमागत जो संख्याएं दी हैं इनका मुझे अंतर निकालना है। तो मुझे लिखना है क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर हम मुझे निकालना है। मतलब हम अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे। तो पहला हमारा फार्मूला हो जाएगा A2 - A1। हम A2 में से A1 को घटा देंगे, कितना अंतर आता है। इसी तरीके से A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 में से A4 को घटा देंगे। तो इस तरीके से अगर इन सभी का अंतर एक जैसा आता है, तो मेरे पास जो सवाल दिया है ये एपी श्रेणी का हो जाएगा, समांतर श्रेणी का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, A2 का मान यहाँ रख देंगे 3 और A1 का मान 1 दिया, घटा देंगे तो इसका अंतर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगला फार्मूला हो जाएगा, अगले पद में से मतलब तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद हमारा इसमें 9 दिया है और दूसरा पद हमारा 3 दिया है, तो घटा देंगे, इसका अंतर हमारा 6 आया। दोस्तों, पहले जो मैंने घटाया होता उसका अंतर हमारे पास 2 आया था, अब की दूसरे को घटाया तो इसका अंतर हमारा 6 आया। तो इन दोनों का अंतर तो सेम नहीं मिल रहा है, तो हम यहीं पर कह सकते हैं कि ये एपी श्रेणी नहीं है। लेकिन हम अगले पद को भी आपस में घटा कर देख लेते हैं। A4 में से हम A3 को घटा देंगे, A4 का मान यहाँ पर 27 है और हमारा A3 का मान 9 दिया, घटा देंगे बच्चों, इसका अंतर हमारा 18 आता है। अब इन तीनों का अंतर एक जैसा नहीं है, जब अंतर एक जैसा नहीं होगा तो वो एपी श्रेणी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। सभी पदों को आपस में जब घटा देंगे, घटाने के बाद अगर अंतर एक जैसा आता है, तो वो हमारे पास श्रेणी जो होगी वो हमारी एपी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो मुझे लिखेंगे दो क्रमागत जो पदों का अंतर है वो क्या है, एक जैसा नहीं है। मेरे पास जो मैंने पद अभी घटाए हैं उनका जो है अंतर एक जैसा नहीं है, इसलिए जो मेरे पास सवाल दिया है 1, 3, 9, 27 अर्थात दी गई श्रेणी एपी नहीं होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं और क्लास 10th में अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो आपको डेली मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।